अगर आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हैं और आप लोग ये जानना चाहते हैं कि गूगल अकाउंट का पासवर्ड कैसे पता करें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसके जरिए आप चुटकियों में अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड पता कर सकोगे। तो मैं आपको ट्रिक बताऊं, उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड क्यों चेंज करना चाहते हो, लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। तो देखो, गूगल अकाउंट का पासवर्ड पता करना बहुत ज्यादा ईजी है, उसके लिए जस्ट क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। ये वाली जो वीडियो है ना, किसी और फोन में चला लो और मेरे साथ साथ ये स्टेप्स करते जाओगे ना, चुटकियों में गूगल अकाउंट पासवर्ड पता कर लोगे। अब हम लोगों को क्या करना है कि सिंपली अपने फोन की सेटिंग में जाना होगा गूगल अकाउंट का पासवर्ड पता करने के लिए। तो मैं अपनी फोन की सेटिंग में यहां से चल लेता हूं और ये हम सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। अब सेटिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद हमें इस तरीके से यहां पे स्क्रॉल करना है, देन यहां पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गूगल वाला। अब जो सैमसंग यूजर है, मैं उनको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि काफी हमारे सैमसंग यूजर्स भी होते हैं जो सैमसंग यूज करते हैं फिर बोलते हैं हमें ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो आप लोगों को अकाउंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको अकाउंट्स के ऑप्शन में जाना है, देन आपको यहां से गूगल के ऑप्शन में चले जाना है। बट हम लोग जो सैमसंग यूजर नहीं है, जो अदर फोन यूजर हैं, हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे गूगल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है ऑल सर्विसेज में। पहले ऑल सर्विसेज यहीं पे शो करती थी रिकमेंडेड के साइड में, बट गूगल ने क्या करा ना, अब यहाँ पे इसको एड इन कर दिया न्यू अपडेट के बाद। तो ये चीज ध्यान रखना, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा ऑटो फिल वाले ऑप्शन पे। तो भाई ऑटो फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देन हमें क्लिक करना है ऑटो फिल विथ गूगल पे। तो भाई यहाँ से हम इसको क्लिक कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, दैट इज गूगल पासवर्ड मैनेजर। तो इस पर हमें इस तरीके से टैप कर देना है। अब टैप करने के बाद यहाँ पे हो सकता है आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिख रहे हो, तो आपको जस्ट यहाँ पे या तो गूगल सर्च कर लेना है, या फिर आप लोगों को इस तरीके का गूगल का ऑप्शन मिल रहा है तो जस्ट इस पर टैप कर देना है। अब हो सकता है यहाँ पे आपसे फिंगरप्रिंट मांगे या फिर आपका पैटर्न वैटर्न मांगे, तो एंटर कर देना है, देन आपको यहाँ पे अपने सारे पासवर्ड इस तरीके से शो करने लग जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने पासवर्ड को देख सकते हो और यहाँ से कॉपी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड नहीं मिलता तो मैं आपको और भी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखते रहना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। ऐसा लगता है बस अब तो क्या ही बोलूं, मतलब कुछ बोलना ही नहीं चाहता उस विषय में, इसीलिए भाई ध्यान से देखते रहना है ना। अब काफी लोगों को यहाँ पे पासवर्ड नहीं मिलता है तो उनको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट इस तरीके से यहाँ से बैक पे क्लिक कर देना है ना, पूरा बैक हो जाएंगे और इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। इस पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे चीज ध्यान देनी है कि जो भी गूगल अकाउंट का आपको पासवर्ड पता करना है तो आपको उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए आईजी मनीष करके मेरा एक गूगल अकाउंट है, तो मुझे इसका पासवर्ड पता करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा इस वाले ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर दूंगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आप दूसरे अकाउंट का पासवर्ड पता करें या फिर चेंज कर लें, क्योंकि मैं चेंज प्रोसेस भी बता दूंगा कि विदाउट ओल्ड पासवर्ड चेंज कैसे करते हैं गूगल का पासवर्ड, ठीक है। तो आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो मेरे साथ साथ स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख देना, तो मुझे पता लगेगा कि इतने सारे लोग मेरे साथ साथ ये स्टेप्स फॉलो कर रहे थे। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से स्क्रॉल करते जाना है, ठीक है, एंड आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आ जाना होगा। अब सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, इस तरीके से स्क्रॉल करते जाना है, देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पासवर्ड मैनेजर। अगर आपको यहाँ पे पासवर्ड मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है, देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, दैट इज पास की। इस पे आपको चले जाना है, क्यों जाना है मैं आपको समझा देता हूँ। इस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से पास की जनरेट करनी है, ताकि आप विदाउट एनी ओल्ड गूगल पासवर्ड अपना नया पासवर्ड बना सकें गूगल का, ताकि आपको पता भी लग जाएगा, फिर आप कहीं भी लॉग इन कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ना, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे भाई क्लिक करते हैं, बैक क्यों हो रहा है, लगता है यहाँ पे टैप हो गया। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से आपके लॉक स्क्रीन का पासवर्ड मांगेगा या फिर फिंगरप्रिंट मांगेगा, जो भी आपने अपने फोन में लगा रखा होगा। तो मैंने फिंगरप्रिंट लगाया, तो मैं फिंगरप्रिंट पे क्लिक करूंगा, यानी फिंगरप्रिंट लगा दूंगा, क्लिक क्या करूंगा, देन इस तरीके से यहाँ पे ये जो पास की है ना, ये जनरेट हो जाएगी। ये देखो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड पास की, मेरे फोन का नाम भी आ जाएगा कहाँ पे क्रिएट हुई है, भोपाल मध्य प्रदेश। थोड़ा सा सिटी गड़बड़ हो जाती है, मैं भोपाल से नहीं हूँ, गेस करो कौन से सिटी से हूँ, उसके आसपास की सिटी से हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पास की जनरेट हो गई है, देन हमें पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करा हमने, देन यहाँ पे लोडिंग होगा इस तरीके से, एंड यहाँ पे आप देखोगे आपको डायरेक्टली न्यू पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ
गया है, पुराने पासवर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो मैं फटाक से अपना नया पासवर्ड यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर दिया है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको दोनों में सेम पासवर्ड डालना है, ठीक है, और आपके पासवर्ड की लेंथ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए, यानी 8 अंक की तो होनी चाहिए, ठीक है। देन आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है और यहाँ से हमारा जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे गूगल की तरफ से हमें मेल भी आ गया होगा कि भाई आपका गूगल पासवर्ड चेंज हो गया है, किसी ने हरकत करी है। देखो गूगल अकाउंट पासवर्ड अपडेटेड। तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपके गूगल का पासवर्ड चेंज हुआ है या नहीं। ये देखो यहाँ पे सारा मेल आ गया है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स भी मिल जाएगी कि ये देखो लास्ट चेंज 8:49, यानी कि जस्ट अभी हमने चेंज करा, ये भी हमें पता लग जाता है। तो इस तरीके से बहुत इजीली आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड पता कर सकते हो या फिर चेंज करके पता लगा सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।